नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना की दो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भाइयों, अगर आपने भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन किए थे और आपका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की लिस्ट में है, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आवास योजना की जो दो बड़ी अपडेट आई है उसमें से सबसे पहली और बड़ी अपडेट यह है कि 1 अप्रैल तक लगभग 5 लाख आवास लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजना शुरू हो चुका है। अगर आपका भी सूची में नाम होगा तो आपको भी 1 अप्रैल तक 5 का पैसा भेजा जाएगा। भाई, अगर आपको पता नहीं है कि सूची में नाम कैसे चेक करते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ग्रामीण आवास योजना एवं शहरी आवास योजना दोनों की लिस्ट निकालने का वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। दूसरी बड़ी अपडेट यह है कि जिन लाभार्थियों को आवास का पैसा मिल चुका है और उनका घर भी बनकर तैयार हो चुका है, तो उसमें कुछ लोग ऐसे भी लाभार्थी हैं जो लोग अपना घर किराए पर चढ़ा रखे हैं, तो उनके लिए चेतावनी है कि सरकार ने पीएम आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया। अगर आपका भी पीएम आवास योजना के तहत रहने को घर मिल चुका है, जैसे कि हमने पहले ही बताया, तो उसमें आपको 5 साल तक रहना जरूरी हो गया। आप देखिए यहाँ पर हेडलाइन बना पड़ा है, ठीक है, उसमें तो फिर 5 साल तक को रहना जरूरी है। अगर आप नहीं रहते हैं तो आपको मिला हुआ घर आप किराए पर चढ़ा दिए हैं, अगर आप नहीं रहते हैं तो मिला हुआ घर वापस ले लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पैसा जमा किए गए हैं वो भी आपके साथ वापस कर लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हेडलाइन है, अगर आप नहीं रह रहे हैं, हेडलाइन में आपको साफ दिख रहा होगा, पैसे वापस, यानी 5 साल तक आपको रहना बहुत ही जरूरी है। देखिए एग्रीमेंट लीज डेट में बदल जाएगा। देखिए जिन आवासों का रजिस्टर एग्रीमेंट टू लीज करा कर दिया जा रहा है, ये जो लोग एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वो रजिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों कि आप लोग जो भी आपको घर मिल रहा है यानी उसमें आपको खुद ही रहना है, ना कि किसी और को किराए पर देना है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा देखिए ऑप्शन, नियम एवं शर्तों के मुताबिक, नियम और शर्तों के मुताबिक प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत जो बनाए गए घर हैं आपको खुद ही रहना है, ना कि किसी को किराए पे देना है। अगर आप लोगों ने अभी जो किराए पे घर दिया है 5 साल पहले से ही, अभी जो कि आवास योजना का समय चल रहा है, इससे पहले अगर आप अपना घर किराए पे देते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, देखिए किसी अन्य परिवार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए तो परिवार के किसी अन्य सदस्य के पास आपका घर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यानी आपसे आवास योजना का लाभार्थी छीन लिया जाएगा। तो भाई आप लोग सतर्क रहें और अपना घर पे आप खुद ही रहिए, वरना आप घर को बंद करके रख दीजिए जब तक कि 2022 यानी जब तक कि आवास योजना का पहल चल रहा है। तो भाई यही अपडेट थी, वो अपडेट थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आवास योजना के संबंध में आपको कोई शिकायत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में लिखिए, हम आपकी समस्या को सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।